हेलो फ्रेंड, दिस इज विहान। एचपी जेबीटी कमीशन पोस्ट कोड 1075 के लिए हमीरपुर बोर्ड की प्रीवियस पेपर्स को हम डिस्कस करते हैं। यहाँ से आपको टॉपिक, सब टॉपिक और उस सब टॉपिक से एडवांस लेवल का क्वेश्चन कितना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। तो जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, आंतरिक हिमालय की अधिकतम ऊंचाई कितनी है। अब देखिए, जितने भी आपके इनर हिमालयाज हुए, लेसर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, अब ये जो जितने भी हिमालयाज हैं, ठीक है, यहाँ पे किस किस टाइप की खेती होती है, ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो जल्दी से आपके माइंड में पहले तो ये हिमाचल का मैप छप जाना चाहिए। और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4500 मीटर। फ्रेंड्स, अगर आप जेबीटी कमीशन के लिए अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, और वो भी एक्सपर्ट्स के अंडर, गवर्नमेंट एक्सपर्ट टीम है, ये जितने भी टीम पैनल होगा, ये सारा का सारा सरकारी पैनल होगा, जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी गवर्नमेंट पोस्ट को अचीव किया है। और यहाँ पर अनुराधा मैम, विनय सर, हरमन मैम, अंजलि मैम और सुषमा मैम, ये सभी के सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, टीचर्स हैं। अगर इनके अंडर अगर आपने तैयारी करनी है तो मात्र सिर्फ 899 रुपये में आप तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको जेबीटी के नोट्स, एमसीक्यूज, जीके बेस्ड एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर एनालिसिस एमसीक्यूज, कंप्लीट सब्जेक्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, और साथ में देखिए ये जो जितने भी टेस्ट हैं ये भी साथ में आपको अपडेट होते हैं। मतलब अगर आप एक्सपीरियंस टीम के अंडर ये सारी चीज़ें ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट्स रहेगा। और एक और खास बात, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो ये फीस भी रिफंडेबल है, यानी कि आपको ये फीस भी बाद में रिफंड हो जाती है, ठीक है। तो सारी जानकारी के लिए आप एक बार व्हाट्सएप कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं। कौन सी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, बताना है कि डल झील, गोविंद सागर, रिवालसर या फिर रेणुका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेणुका। अब देखिए, जितने भी हिमाचल की लेक्स हैं, यहाँ से तो आपके सब टॉपिक्स क्लियर होंगे, ठीक है, लेकिन आपको ये क्लियर नहीं होगा कि हिमाचल की जो मॉडिफाइड क्वेश्चंस है लेक से रिलेटेड, वो कम से कम 77 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलते हैं, और बुक्स कोई भी हेल्पफुल नहीं रहती है, सिर्फ बुक्स आपकी बेसिक नॉलेज को यहाँ पर क्लियर करती है, ठीक है। बुक्स आपको बेसिक नॉलेज देगी लेकिन मॉडिफाइड कभी नहीं देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम यहाँ पर बढ़ेंगे। कौन सा हिमाचल प्रदेश का सुदूर यानी कि उत्तर पश्चिमी जिला है, तो जल्दी से मैप आपके माइंड में आना चाहिए। इसका सही आंसर होगा, यहाँ पर बात हुई है कौन सा हिमाचल प्रदेश का सुदूर उत्तर पश्चिम, ठीक है, यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट की बात हुई है, तो बताइए यहाँ जैसे कहाँ कौन सा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जल्दी से देखिए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंबा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है, बताना है। सतलुज नदी मंडी जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरनू स्थान से, ठीक है। अब यहां पर नदियों के कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब एडवांस लेवल नदियों से आ रहा है, यानी कि टॉपिक तो आपने क्लियर किया होगा, लेकिन जब तक आपने मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट टेस्ट, ग्राफ टेस्ट नहीं लगाए होंगे तब तक कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी, ठीक है। तो टेस्ट आपके नहीं छूटने चाहिए। जब फिरोज तुगलक ने नगर कोट किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था, और ये जितने भी राजा हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, रूपचंद। जब फिरोज तुगलक ने नगर कोट किले की घेराबंदी की थी तब कांगड़ा का शासक कौन था, रूपचंद था, ठीक है, ये याद रख लेना। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, क्योंकि आगे चलकर हम इन्हीं क्वेश्चंस के बेस के ऊपर भी आपको मैं एडवांस लेवल क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, तो चैनल के ऊपर पहली बार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। किस वर्ष में महाराजा रणजीत सिंह ने दतारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया था, बताइए। अब देखिए, महाराजा रणजीत सिंह का कंसेप्ट भी काफी वास्ट है, ठीक है, इसके कम से कम 15-16 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलते, जो मॉडिफाइड है, जो एडवांस लेवल है, ठीक है, लेकिन आपको पता होने चाहिए। नहीं पता लग रहा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। किस वर्ष में महाराजा रणजीत सिंह ने दतारपुर प्रांत को पूर्ण रूप से संलग्न किया था, 1818 आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखेंगे, भागट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था। देखिए, ये प्रिंसली स्टेट्स जितनी भी रहती हैं हिमाचल प्रदेश की, ये आपको पढ़ के जानी ही पड़ेंगी, आप इन चीजों को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि दुर्गा सिंह। भागट राजसी राज्य का अंतिम शासक कौन था, दुर्गा सिंह था। और यहां से अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो 129 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी एडवांस लेवल पे हैं, ठीक है, यानी कि इनके चांसेस काफी ज्यादा है आपके एग्जाम में आने के, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर टाउन की स्थापना किस शासक ने की थी? क्या बीरचंद, दीपचंद, अभयचंद या फिर अजयचंद, बताइए। फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर टाउन की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा दीपचंद, ठीक है, बिलासपुर 128। अब देखिए अगर मैं थोड़ा सा, अगर आपको मैं इन राजाओं के ट्रिक्स भी बता दूं, इनके ट्रिक्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स होते हैं जो कि आपको एकदम से ट्रिक आपको याद हो जाएंगे। बिलासपुर का, अगर आप बिलासपुर भी रिलेट करोगे बिला, ठीक है, बिलासपुर का बिला, ठीक है, तो बिलास में क्या होते हैं, दीप होते हैं काफी ज्यादा, दीपक, ठीक है। तो आप मतलब थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड में एकदम से चीजें फीड हो जाती हैं, ठीक है, तो आपके पास तो ऐसे ही क्लिक हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं, अगर आपको ट्रिक्स वीडियोस चाहिए होंगे तब भी बता देना, हिस्ट्री ट्रिक्स में करवा के चला जाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाला प्रथम कौन था? क्या डॉक्टर वाई एस परमार, शिवानंद रामोल, पंडित पदमदेव या फिर ठाकुर हजारा सिंह, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ठाकुर हजारा सिंह। फ्रेंड्स 1946 में अलग पहाड़ी राज्य के निर्माण का आह्वान करने वाला प्रथम कौन था? तो ये थे आपके ठाकुर हजारा सिंह, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना, जितने भी आपके सेपरेट हिल स्टेट्स हैं, ठीक है, या फिर 1946 की बात होती है तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, क्योंकि तो जेबीटी कमीशन है, स्किप मत कर देना, ठीक है। बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है? क्या ये ज्वालाजी मंदिर है, चिंतपूर्णी मंदिर है, चामुंडा मंदिर है, ज्योतिषी मंदिर है? अब देखिए कंसेप्ट तो आपने पढ़ा होगा मंदिर से रिलेटेड, हिमाचल के टेम्पल्स बहुत अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे, लेकिन यही चीज है, अभी हिमाचल के मंदिर की अगर हम बात करें जो एडवांस लेवल है, 77 क्वेश्चन एडवांस लेवल पे भी चल रहे हैं, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज्वालाजी मंदिर। बाबा गोरखनाथ को समर्पित एक तीर्थ हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर परिसर में स्थित है? ज्वालाजी मंदिर, ठीक है, 130 का ए। नेक्स्ट यहाँ पे, कांगड़ा के पास चैत्र में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य की बात होती है, अशोक, हर्ष और कनिष्क, ये तीनों ही, ये चारों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में, एग्जाम को क्रैक करवाने के लिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस होगा ही होगा, यहां से 300 से प्लस क्वेश्चन एडवांस लेवल पे अभी, ठीक है। आगे चल के हमें वो एडवांस क्वेश्चंस भी एक बार मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपने अपने बेस के ऊपर तैयारी करनी है, अच्छे से तैयारी करनी है और कमीशन निकालना ही निकालना है, तो ये चीजें ले लेना टाइम से पहले, ठीक है, कोई नहीं देगा आपको। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काजा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी अशोक, ठीक है, 131 का अशोक, ठीक है, सॉरी फॉर दैट। कांगड़ा के पास चैत्र में बौद्ध स्तूप किस काल में बनाया गया था? अशोक के काल में बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, कुथ और ड्राई फ्रूट्स अनुसंधान इकाई हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? क्या किलोंग, काजा, टांडी, उदयपुर? कुथ और ड्राई फ्रूट्स अनुसंधान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? अब देखिए यहाँ से आपने कंसेप्ट पकड़ना होगा, तो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी आपको अच्छे से करनी होगी, ठीक है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केलोंग। कुथ और ड्राई फ्रूट्स अनुसंधान इकाई जो है, जो यूनिट्स है, हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है? केलोंग में है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 1848 ईस्वी के आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना की? 1848 ईस्वी के आसपास किसने शिमला में प्रथम सेंट्रल स्कूल की स्थापना की, इंपॉर्टेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडवर्ड। अब देखिए जितने भी, चाहे मैं हिमाचल का, यहाँ पर अगर आप करंट अफेयर सेक्शंस भी करना चाहोगे हिमाचल प्रदेश का तो कर लेना, क्योंकि आएगा करंट अफेयर के क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चंस आपके हिमाचल करंट अफेयर्स के बनेंगे, ठीक है। 133 का राइट आंसर होगा एडवर्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, किस वर्ष में जियोरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ? सतलुज नदी बहुत बार क्वेश्चंस बनता है, एडवांस लेवल ही रहता है, हमेशा सतलुज का एडवांस लेवल ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस बार जो क्वेश्चंस में आया है कि किस वर्ष में जियोरी में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ था, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1889 में सतलुज नदी पर ब्रिज का निर्माण समाप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, वर्ष 2000 में किस हिमाचली महिला को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2000 में किस
माछली महिला को लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किंकरी देवी को। ठीक है, किंकरी देवी को वर्ष 2000 में यहां पर लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, और आपके OMR टेस्ट शीट बहुत जल्दी शुरू होने वाले जेबीटी कमीशन के लिए। ठीक है, एक्सपर्ट्स के अंडर ही आपको ये सब सब कुछ मिलने वाला है। घर बैठे आप OMR टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट्सएप कर लेना, OMR टेस्ट छोड़ना मत। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, टेट्राथिल लेड किस रूप में प्रयुक्त होता है? जो आपका टेट्राथिल जो लेड है वो किस रूप में होता है, जल्दी से देखिए। देखिए, इसका सिंपल सा सवाल है, राइट आंसर रहेगा पेट्रोल नाशक, यानी कि पेट्रोल एडिक्टिव। अब देखिए यहाँ पर ये जितने भी डेली साइंस के क्वेश्चंस हैं, क्या आप जानते हैं डेली साइंस के क्वेश्चंस कहाँ से पिकअप होते हैं? डेली साइंस के क्वेश्चंस पिकअप होते हैं आपके टॉप 10 मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, और अदर स्टेट में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं डेली साइंस से, जनरल साइंस से, हमीरपुर बोर्ड सिर्फ वहां से वेरीफाई करेगा। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी आपके पास होने चाहिए अगर आपने डेली साइंस निकालना है तो। इसलिए 1000 से ज्यादा क्वेश्चंस हम आपको डेली साइंस कैसे देंगे? अगर क्वेश्चन स्किप हो गया तो आप बोलना। ठीक है, तो ये डेली साइंस जो एडवांस लेवल रहेगा ये सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया है, पेट्रोल योजक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पर कौन सा स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है? ल्यूब्रिकेंट, यानी कि विच इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, बताइए। क्या ये ग्रेफाइट है, सिलिका है, डायमंड है, या फिर आयरन ऑक्साइड है? ल्यूब्रिकेंट की बात हो रही है, इसका सही आंसर होगा ग्रेफाइट। ठीक है, कौन सा ल्यूब्रिकेंट के रूप में प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, सामान्यतः महिलाओं की जो आवाज की पिच होती है, ठीक है, वो पुरुषों के समान, पुरुषों से उच्च, पुरुषों से बहुत भिन्न, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरुषों से उच्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, विच इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है, अवशेषांग नहीं है, बताइए। वेस्टिजियल ऑर्गन यहां पर बात हो रही है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायफ्राम जो है वो आपका वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, यूज नहीं होता है, बाकी सभी इसमें रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देख लेते हैं, चमगादड़ अंधेरे अंधेरे में उड़ने के लिए सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पंख उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, आपको क्लियर है, डेली साइंस में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछ लेता है एग्जामिनर, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स। चमगादड़ अंधेरे में उड़ने के लिए सक्षम होते हैं क्योंकि उनके पंख उत्पन्न करते हैं, क्या उत्पन्न करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स उत्पन्न करते हैं, क्लियर। चलिए, रोगी को किसकी गंभीर समस्या होने पर डायलिसिस किया जाता है, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किडनी। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा, लेकिन जितने भी ये डिजीज क्वेश्चंस हो गए, विटामिन क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, और उनके रोकथाम से और उनकी कमी से किस टाइप के रोग होते हैं, डिजीज होते हैं, ये भी आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए, लेकिन अपडेटेड अपडेटेड होने चाहिए, मॉडिफाइड होने चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किडनी। ठीक है, बुद्ध को डैश में ज्ञान और कर्म का सागर बताया गया है, किसमें बताया गया है? बुद्ध धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए लेकिन एडवांस लेवल पे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमरकोश। बुद्ध को अमरकोश में ज्ञान और करुणा का सागर बताया गया है, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, गंगा को वश में करने वाला और गंगकोड चोल की उपाधि प्राप्त करने वाला चोल शासक था। चोल शासक से क्वेश्चंस यहां पर हाईलाइट किया है हमीरपुर बोर्ड ने, ठीक है, बताइए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजेंद्र चोल वन। गंगा को वश में करने वाला और गंगकोट चोल की उपाधि प्राप्त करने वाला चोल शासक था राजेंद्र चोलवन। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अगर आपके पास एडवांस लेवल होना जरूरी है अगर आपने कमीशन निकालना है, और हमीरपुर बोर्ड का सिर्फ एक ही फंडा है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज अपडेटेड एक्सपेक्टेड,
ठीक है, यही फंडा है। नोट्स आपने सबने अच्छे से कर लिए होंगे, तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एमसीक्यूज ज्यादा पढ़ना, टेस्ट ज्यादा लगाना। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीरों को बांधा हुआ था, जिसे उसकी प्रजा अपनी शिकायतों को उसके ध्यान में लाने के लिए हिला सकती थी। चाहे मैं हुमायूं की बात करूं, अकबर की बात करूं, जहांगीर या फिर शाहजहां, ये सारे ही मेन किरदार हैं आपके एमसीक्यूज अपडेटेड के लिए। बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर। क्लियर? जहांगीर मुगल शासक, क्लियर ही होगा। न्याय की जंजीरों को बांधा हुआ था, जिसे उसकी प्रजा अपनी शिकायतों को उसके ध्यान में लाने के लिए हिला सकती थी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अशोक के 14 शिलालेख कहाँ पाए गए थे। इंपॉर्टेंट, अशोक से क्वेश्चंस बनते हैं, तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है गिरनार। अशोक के जो 14 लेख है, शिलालेख है, कहां पर पाए गए हैं, गिरनार, आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहां पर देखिए, महाबलीपुरम में रथ है, ठीक है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। महाबलीपुरम में रथ है, और महाबलीपुरम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, इसका भी काफी ज्यादा एडवांस लेवल अभी बन रहा है। इसका सही आंसर क्या होगा, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, महाबलीपुरम में रथ है, किस टाइप का है ये, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए डैश ने अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना की थी। यहां पर बात हो रही है अनटचेबिलिटी की, ठीक है, बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, आप सभी को क्लियर है, एडवांस और मॉडिफाइड ही होगा। 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी की एक बहुत बड़ी राशि का डैश में निवेश किया गया था, क्या रेलवे में, चाय की खेती में, कोयला खनन में, या फिर जूट मिल में, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 1853 के बाद ब्रिटिश पूंजी की एक बहुत बड़ी राशि का जो निवेश किया गया था वो रेलवे में किया गया था। क्लियर? चलिए, कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता के लिए अनुदान को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है। कौन सा प्राधिकरण भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व की सहायता के लिए अनुदान को नियंत्रित करने के लिए सिद्धांतों की सिफारिश करता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी वित्त आयोग, ठीक है, और वित्त आयोग से क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है? पॉलिटी का सेक्शन आपको अच्छे से क्लियर करके चलना पड़ेगा, चाहे मैं प्रियम्बल की बात करूं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करूं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करूं, अमेंडमेंट की बात करूं, शेड्यूल्स की बात करूं, प्रधानमंत्री की बात करूं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट से लेकर कैग रिपोर्ट्स, ये बहुत एडवांस है, लेकिन आपको इफेक्टिव पढ़ के चलना पड़ेगा अगर जेबीटी निकालना है तो, ठीक है। और एक ही फंडा मैंने बता दिया है, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव, और नोट्स तो आपके पास है ही, और टेस्ट जितने ज्यादा लगाओगे कमीशन निकलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा सदस्यों के मत का मूल्य है, क्या समान है, संबंधित राज्यों के भौगोलिक आकार के अनुसार भिन्न है, एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मतों की संख्या के अनुसार भिन्न है, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ द लोकसभा मेंबर्स इज सेम, डिफर्स अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल साइज ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, बताइए। डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ बोर्ड्स ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंट्स नॉन ऑफ दिस। 150 का देखिए जल्दी से, इसका सही आंसर होगा एक सदस्य द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए मतों की संख्या के अनुसार भिन्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, डिफर्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वार्ड्स ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, अगर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में ये सारे लेक्चर्स लेते हैं तो आपकी और ज्यादा क्लैरिटी, आपकी जो क्लीनिंग है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, वो बहुत निखर के आएगी। कौन सा उच्चतम न्यायालय के लिए सही है, क्या इनके पास केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, ये भारत का सर्वोच्च संघीय न्यायालय है, इसका कोई मूल क्षेत्राधिकार नहीं है, ये संविधान को संशोधित कर सकता है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा।
ऑप्शन नंबर बी यानी कि यह भारत का सर्वोच्च संघीय न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट से 92 क्वेश्चन अभी एडवांस लेवल पे है, ठीक है, और ये आपके पास होने चाहिए एडवांस लेवल। कौन सा मिनिमम नीट प्रोग्राम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल नहीं है? देखिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में कौन कौन से यहां पर है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो वो नहीं है, ठीक है। बाकी आपका चाहे मैं यहाँ पर बात करूं एडल्ट एजुकेशन की, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की, रूरल वाटर सप्लाई की, ठीक है, बट आपका अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस नहीं है इसमें, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम का हिस्सा ये नहीं है, ठीक है। कौन सी नदियों द्वारा निर्मित रचना है, क्या सर्क, इंसलवर्ग, मियंडर या फिर मॉरेन, बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मियांडर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, अर्ध शुष्क और शीतोष्ण घास के मैदानों में सामान्यतः सबसे अधिक पाए जाने वाले जानवर हैं, कि गधा और घोड़ा है, रेंडियर है, ऊंट है, भेड़ और बकरी है। 154 का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि भेड़ और बकरी, ठीक है। फ्रेंड्स जेबीटी कमीशन का एग्जाम छोड़ना मत, बहुत नीड्स और ड्रीम्स आपके पूरे करने वाला एग्जाम ये है, और एडवांस लेवल में आपको इसलिए करवा रहा हूं, ठीक है, जो हमीरपुर बोर्ड का आए हैं क्वेश्चंस, क्योंकि तो यहां से किस टाइप के एडवांस अब बन रहे हैं और जो ऑलरेडी हैं आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, ऑप्शन नंबर डी यानी कि भेड़ और बकरी। ड्राई फार्मिंग क्या है, शुष्क खेती है, क्या पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि की एक पद्धति है, ये शुष्क भूमि का विकास है, सिंचाई के बिना कृषि की एक पद्धति है, या फिर रेगिस्तान में खेती करना है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिंचाई के बिना कृषि की एक पद्धति, दैट इज मीन शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे, किस राज्य में बोकारो इस्पात संयंत्र स्थित है? बोकारो इस्पात संयंत्र, स्टील प्लांट, बहुत बार इंपॉर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए आपको कितना इसका आंसर मालूम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखते हैं, जापान ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील या फिर रूस? जापान ने हाल ही में किस देश के साथ पारस्परिक पहुंच इनकी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने किए हैं, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर देखिए, कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में तख्त दमदमा साहिब को सिखों के पांचवें तख्त के रूप में मान्यता दी है? क्या ये पंजाब, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश? देखिए किस टाइप के क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड पूछ रहा है अपने एग्जाम में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली। और अगर आपको क्लिक बेट पता नहीं है हमीरपुर बोर्ड का जेबीटी के लिए, तो ये भी स्टूडेंट हेल्पलाइन टीम से फोन पे बात करके आप कंफर्म कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, 1 जनवरी 2022 को यूएस जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या है? विश्व की जनसंख्या, ठीक है, तो यहां पर याद रख लेना ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7.8 बिलियन, क्लियर। और ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, हम थोड़ा सा स्किप करेंगे इनको, क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बढ़ेंगे इंग्लिश की तरफ, एंटोनिमस बताना है किसका, इम्प्रोप्राइटरी का। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इम्प्रोप्राइटरी होता क्या है, क्या मतलब होता है इसका, बताइए। इम्प्रोप्राइटरी का मतलब होता है आपका जैसे कि अनुचित, ठीक है, तो आपका डेकोरम क्या होता है फिर, ठीक है, डेकोरम बहुत हाइलाइटेड वर्ड है ये, बहुत हाइलाइटेड वर्ड है, इसी तरह का हाइलाइटेड वर्ड भी आपको पते होने चाहिए, ठीक है। आपका डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार, प्योरिटी आपको क्लियर है, शुद्धता, आइडियल का मतलब आपको क्लियर है, आदर्श, ठीक है। कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या होता है, कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है आपका अनुपालन, ठीक है। तो बताइए इम्प्रोप्राइटरी का मतलब क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डेकोरम, डेकोरम यानी कि शिष्टाचार। अगर इम्प्रोप्राइटरी अनुचित है तो
एंटोनिमस क्या होगा? डेकोरम, शिष्टाचार। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने देखना है यहां पे, ठीक है। एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग इज क्या होता है, इसका मतलब क्या बना? देखिए पहले तो आपको यह पता चाहिए कि एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है, कुछ करने की, जिसे हम कहते हैं स्पष्ट समझ, जिसको है एक्सप्लिसिट, ठीक है। तो उसको एक स्टेटमेंट में ही हमने यहां पर करना है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रॉमिस, क्लियर। एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग टू डू समथिंग इज, यानी कि कुछ करने की स्पष्ट समझ है, प्रॉमिस, ठीक है। 164 का प्रॉमिस। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, द वेटर टुक द प्लेट्स डैश आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग। हमारे खाने के बाद वेटर प्लेट ले गया, ठीक है। तो क्या मतलब होगा, द वेटर टुक द प्लेट्स अवे आफ्टर वी हैड फिनिश्ड ईटिंग, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए यहां पे, मीनिंग ऑफ द इंडियम्स टू पे वन बैक इन द सेम कॉइन इज, ऑप्शंस देखिए, यानी कि टू रिटेलिएट, ठीक है, टू रिटेलिएट। रिटेलिएट का मतलब क्या होता है, जवाबी कार्यवाही, बदला लेना, रिटेलिएट, क्लियर। हिंदी का देखिए, और हिंदी की अगर आपको क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड फॉर्म है, लेकिन हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमीरपुर बोर्ड वहां से बाहर नहीं पूछता है, स्पेशल हिंदी, तो इसके लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और रिकॉर्डेड फॉर्म अगर आपने ले लिया लेक्चर्स का, तो 2 सेकंड ट्रिक्स है, एक ट्रिक में ही आप सब कुछ क्लियर करोगे। महाशय का संधि विच्छेद बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महा प्लस आशय। हस्त लिखित में समास है, बताइए, सोचिए। 168 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तत्पुरुष। हस्त लिखित में समास कौन सा है, आपका तत्पुरुष है। धरा का पर्यायवाची है, 169, धरा का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभय भाव। धरा का पर्यायवाची है यहां पे, धरा का पर्यायवाची आपका अचला। साथ साथ में सोचिए जरूर, ठीक है, और फुल एडिशन, और ये 2 सेकंड ट्रिक्स में इनकी पहचान करने के लिए व्हाट्सएप करिए, रिकॉर्डेड फॉर्म लेक्चर्स हैं। खटिया में प्रत्यय है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईया, ठीक है, खटिया में प्रत्यय है ईया। नेक्स्ट देखिए यहां पर, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था। मैंने पहले भी क्लियर किया, बौद्ध धर्म, अशोक, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां से 263 क्वेश्चन एडवांस लेवल पे अभी, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाला भिक्षु था उपगुप्त, क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहां पे, कादंबरी के लेखक कौन थे, क्या ये बाणभट्ट थे, हर्षवर्धन थे, भास्कर वर्धन थे, या फिर बिंदुसार थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाणभट्ट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, गुप्त शक की स्थापना किसने की थी, गुप्त शक की स्थापना किसने की थी, जल्दी से देखिए, पढ़ा होगा आपने टॉपिक ये। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंद्रगुप्त वन, इसलिए करो एडवांस लेवल पढ़ के जाना अगर आपने जेबीटी कमीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो, और नहीं पता लग रहा है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, एक्सपर्ट टीम पैनल है, उससे बात कर सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं आप अपने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, हर्षवर्धन को किसने हराया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुलकेशिन टू। नेक्स्ट यहां पे, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन धर्म जैन केंद्र कहां पर स्थित है, क्या ये रामेश्वरम, कांची, मदुराई, श्रवण बेलगोला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि श्रवण बेलगोला। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां पर स्थित है, श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट यहां पे,
हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था? हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिराक मिर्जा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। शिवाजी के शासन में किसे पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था? पेशवा किसे कहा जाता था? याद रख लेना, मुख्यमंत्री। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किसके विरुद्ध किया था? किसके विरुद्ध किया था? देखिए, क्या ब्रिटिश मिल मालिकों और सरकारी अधिकारियों के लिए विरुद्ध में किया था, भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध किया था, ब्रिटिश गैर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध किया था, भारतीय सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध किया था? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध गांधी जी ने अहमदाबाद सत्याग्रह किया था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे, किसने सुप्रसिद्ध आईएनए विचारण की वकालत की? और ये चाहे मैं भुला भाई देसाई की बात करूं, आसफ अली की बात करूं, सुभाष चंद्र बोस की बात करूं, सी राजगोपालाचारी की बात करूं, सारे के सारे हाईलाइटेड हैं और बहुत कुछ हाईलाइट है अभी एडवांस लेवल पे, क्लिक बेट हमीरपुर बोर्ड का, पता करके जाना एग्जाम में जाने से पहले। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर यानी कि भोला भाई देसाई इसका सही आंसर होगा, 179 का ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना इनके साथ होती है क्या? मैजनी, कैवूर, गैरीवाल्डी या फिर बिस्मार्क? किसके साथ होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनकी बिस्मार्क के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर किया गया था? कहां पर किया गया है? सॉरी, मैंने आपको पहले ही क्लियर करवा दिया है, चाहे आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या फिर प्रियम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, कर लेना अच्छे से। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कहीं पर भी नहीं, भारतीय संविधान में जो आपका फेडरल वर्ड है वो तो कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, एक बात मुझे बताइए, बजट आपने सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है, क्या बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है, बजट शब्द? यस और नो बताना जरूर। ठीक है, क्योंकि तो पॉलिटी का सेक्शन है और पॉलिटी की अगर आपने अच्छे से क्लासेस लेनी है, ऐसे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी अच्छी हैं, लेकिन एक बार लेंगे मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, बहुत सारी आपकी क्लीनिंग हो जाएगी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, वेस्टमिंस्टर संघीय प्रणाली डैश में विकसित की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूके। तो एक्सपर्ट्स के अंडर कोर्सेज ज्वाइन आप कर सकते हैं। कौन सा विषय राज्य सूची में है? राज्य सूची में क्या ये एग्रीकल्चर, क्रिमिनल लॉ, एजुकेशन या फिर डिफेंस? स्टेट लिस्ट में याद रख लो, कृषि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है इन स्टेट लिस्ट। ठीक है, जो विषय। नेक्स्ट यहाँ पे, 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए। आपको क्लियर है कि जब भी रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स की बात होती है 1956 क्रिएटेड में, ठीक है, तो आपको क्लियर है ये सारी चीजें कि इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे 1956 में राज्य पुनर्गठन से निर्मित हुए थे। ठीक है, कितने? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। देख लीजिए क्वेश्चंस, लेवल देख लीजिए, हमीरपुर बोर्ड का ही लेवल है ये, जीके सेक्शंस का। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एन की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है। नेक्स्ट यहाँ पे, संसद के दो सत्रों के बीच कितना अधिकतम अंतराल होता है? क्या 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर 9 महीने? सोचिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 महीने। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे, सूर्य और चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी की परछाई कितने भागों में विभाजित होती है? क्या
दो, तीन, चार या फिर पांच। देखिए जितना भी अर्थ रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपका एटमॉस्फेयर हो गया, आपका गैसेस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, आपके इसरो क्वेश्चंस, आपके नासा क्वेश्चंस, ये टॉपिक है आपके, इनके सब टॉपिक भी है, इनके एडवांस लेवल भी है, ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी दो भागों में विभाजित होती है। इसलिए कह रहा हूं कि क्लिक बेट आपको हमीरपुर बोर्ड का पता होना चाहिए। एमसीक्यूज, एक्सपेक्टेड, मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर, ओएमआर शीट टेस्ट और क्वेश्चन और सॉरी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स का लेवल, प्रीवियस कैसा था, अब कैसा है, आने वाला कैसा होगा और एडवांस लेवल कैसा है अभी, ये क्लिक बेट है आपका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मैक्सिको और मध्य अमेरिका, ठीक है। क्वेश्चंस क्या था, किस देश यानी कि देशों में स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा वर्षा जल संचयन के मामले में गलत है, ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हुई है, हमने यहाँ पर इनकोरेक्ट बताना है। इसका सही आंसर है, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ये जल स्तर को बढ़ाने में सहायक है, ये प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है, ये जल संरक्षण का एक तरीका है, यह पानी की बढ़ती मांगों को पूरा करने में सहायक है। तो बताइए इसका सही आंसर ऑप्शन और बी, यानी कि यह प्रवाह के नुकसान को बढ़ाता है, ठीक है, इनकोरेक्ट है ये, बाकी सभी सही है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को डैश से जोड़ता है, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी, इंपॉर्टेंट है और ये सारे इंपॉर्टेंट थे, यहां से एडवांस लेवल बनता है। नेक्स्ट यहाँ पे साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी कहां पर स्थित है, साइलेंट वैली, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केरल, क्लियर। सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है, चीप मनी मीन्स, बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्याज की कम दर, सस्ती मुद्रा से क्या तात्पर्य है, ब्याज की कम दर, क्लियर। कौन सा पद बैंकिंग से संबंधित नहीं है, सभी को आना चाहिए ये तो, कम से कम गलत नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NEER, ये संबंधित नहीं है, बाकी सभी है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात है, यानी कि इन केस ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इंपैक्ट ऑफ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान व्यक्ति पर, ऑन सेम पर्सन, ठीक है। प्रत्यक्ष कर के मामले में कराघात और करापात है, समान व्यक्ति पर, ऑन सेम पर्सन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखेंगे, एंजाइम्स आपके क्या है, देखिए आपको याद रखना है एंजाइम्स आपके क्या हैं, प्रोटीन्स हैं, क्लियर। चलिए, पेंसिलिन डैश से पृथक किया जाता है क्या, कवक, शैवाल, विषाणु या फिर जीवाणु, पेंसिलिन आइसोलेटेड फ्रॉम, बताइए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कवक, फंगी, क्लियर। नेक्स्ट यहां पर शेविंग मिरर इज क्या है आपका, शेविंग मिरर क्या आपका कंकेव है, कन्वेक्स है, प्लेन है या फिर पैराबोलिक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल, कंकेव। क्लोरोफॉर्म का प्रयोग इस रूप में कर सकते हैं, बताइए किस रूप में कर सकते हैं, बताइए किस रूप में कर सकते हैं, एनास्टेटिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग इस रूप में कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एनेस्थेटिक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 198 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एनेस्थेटिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिए, वर्ष 2020-21 में भारत के जन्म के समय लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशो 2020-21, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 937, क्लियर। किस भारतीय राज्य ने हाल ही में महिलाओं के लिए नई नीति 2021 के मसौदे का अनावरण किया है, इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु, ठीक है,
अब आपने करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करिए जेबीटी कमीशन के रिगार्डिंग, एक्सपर्ट की राय लीजिए, कोर्सेज ज्वाइन करिए, सिर्फ 899 है, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो ये फीस भी रिफंडेबल है, यानी कि आपको यहाँ पर डबल ट्रिपल एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट टीम है, तो ये आपके लिए है, ठीक है, इनका फ़ायदा लीजिए। और ये जितने भी टेस्ट हैं जेबीटी के, या फिर एडवांस लेवल के टेस्ट, या फिर यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो सब टॉपिक्स हैं, आगे आने वाले किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको महान बनाने वाली हैं। और OMR टेस्ट में जब आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप डिस्ट्रिक्ट में कहाँ, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, तो उस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने स्टूडेंट्स टॉप लेवल पे चल रहे हैं जिन्होंने GMAT कमीशन देना है। इससे आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं।